क्वेश्चन नंबर 32 तक हम लोग ने किया था, अब हम लोग आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। 33 है, ओ वृत्त का केंद्र है और एक्स वाई वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदु हैं। ओ एक्स ओ वाई पर लंब है, यदि उसमें त्रिभुज एक्स ओ वाई का क्षेत्रफल 32 हो तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। कोई वृत्त है, सर्कल है कह रहा है, एक्स और वाई एक बिंदु है, ओ सेंटर है, ओ एक्स ओ वाई ऐसे बिंदु हैं जो एक दूसरे पर लंब है, परपेंडिकुलर है, और इसका क्षेत्रफल एक्स ओ वाई का दिया हुआ है 32। इसको अगर हम ज्वाइन कर दें तो ये क्षेत्रफल जो है ये 32 है। तो ये अगर हम त्रिज्या आर और आर माने तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आधा हाफ बेस इंटू हाइट हो जाएगा। तो क्षेत्रफल जो है हाफ बेस आर हो गया और ऊंचाई भी आर हो गई, और यही जो है 32 के बराबर दिया हुआ है। 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो आर स्क्वायर बराबर 64 के, जो कि 8 का स्क्वायर है, इसलिए आर बराबर 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। जब आर बराबर 8 सेंटीमीटर हो गया, अब इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कह रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 64 पाई। पाई के टर्म्स में आंसर दिया हुआ है, इसलिए 64 पाई ये पूरे सर्कल का एरिया हो जाएगा। इस तरह से हम लोग एरिया को कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चार सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को एक बिंदु पर बाहर से स्पर्श करते हैं और उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा क्रमशः पी और क्यू बिंदु पर उन्हें स्पर्श करती है। पी क्यू भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। कल हम लोग ने देखिए एक क्वेश्चन किया था इससे पहले जो आपका टर्न था उसमें, और ये हम लोग ने डराइव भी करके हमने दिखाया था आपको कि अगर इसकी त्रिज्या आर वन है और इसकी आर टू है, और यहां से अगर हम लंब डाल रहे हैं, ये है पी और क्यू, तो पी क्यू लेंथ कैसे निकालते थे, शॉर्ट ट्रिक हमने बताई थी आपको, टू अंडर रूट आर वन आर टू। तो ये उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा जिसमें कि जो वृत्त है वो एक दूसरे को बाहर से स्पर्श कर रहा है, दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहा है बाहर से। आर वन आर टू वैल्यू दी है तो टू अंडर रूट फोर इंटू नाइन 36 हो जाएगा, 36 का रूट करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो पी क्यू बराबर हो जाएगा 2 इंटू 6 सेंटीमीटर, दैट इज 12 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि पी क्यू भुजा वाले वर्ग का, तो पी क्यू पर अगर एक हम वर्ग बना लें, स्क्वायर बना लें, तो इस स्क्वायर का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो इसलिए इसका एरिया कितना हो जाएगा, जिसकी भुजा पी क्यू है तो पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा 12 का स्क्वायर जो कि 144 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 144 वर्ग सेंटीमीटर ये आपका आंसर होगा, कि जो भी आपकी स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा की का क्षेत्रफल उस पर बना हुए वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक वृत्त के बिंदु ए तथा बी पर एक बिंदु पी से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। ओ उस वृत्त का केंद्र है, एंगल ए ओ पी 60 डिग्री है, एंगल ए पी बी का मान आपको निकालना है। देखते हैं, ओ केंद्र है किसी पी बिंदु से, ये स्पर्श रेखा खींची गई किसी पी बिंदु से, ए और बी पॉइंट पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, टेंजेंट्स। उस वृत्त का केंद्र है, एंगल ए ओ पी, ओ इसको ज्वाइन कर दें, ये 90 डिग्री होगा, ए ओ पी
60 डिग्री है, तो एंगल ए पी बी पूछ रहा है, ए पी बी का मान कितना होगा। तो हमने आपको बताया था देखिए कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो 90 ये है, 90 ये है, 60 अगर ये है तो 60 ये है, 30 डिग्री अगर ये है तो 30 डिग्री ये भी होगा, क्योंकि ये सर्वांगसम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं। और कॉन्ग्रुएंसी हमने आपको बताया था आरएचएस मेथड से प्रूफ करके, आर क्या है राइट एंगल, एच क्या है हाइपोटन्यूज कॉमन है दोनों में, और एक साइड जो त्रिज्या है दोनों की ये बराबर है, तो आरएचएस से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो ये जो आपके एक तरह से एंगल दिया है 30 डिग्री 60 डिग्री, इससे 30 डिग्री ये निकला 30 ये निकला, इसलिए एंगल ए पी बी का मान कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो इसलिए एंगल ए पी बी बराबर होगा 60 डिग्री, तो इसलिए इसकी वैल्यू जो हो जाएगी 60 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, समान त्रिज्या आर वाले दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं और एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरते हैं, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कितनी होगी। अब देखिए ये थ्योरम है, ये थ्योरम है, इसको लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए, याद ये कर लीजिए कि अगर दो वृत्त हैं एक दूसरे के केंद्र से होकर के गुजरते हैं और इनकी ये वृत्त बराबर भी हैं, इनकी त्रिज्याएं समान हैं, तो उभयनिष्ठ जीवा ये होती है, ये भी अगर हमने कहा, अगर इसकी त्रिज्या आर है, इसकी त्रिज्या आर है तो ये लेंथ ए बी कितनी हो जाएगी, तो ए बी लेंथ जो होती है रूट थ्री आर के बराबर होती है, यही थ्योरम है। थ्योरम अगर याद होगा तो आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, कि अगर दो वृत्त एक दूसरे के सेंटर से होकर के जाते हैं, दो सर्कल्स एक दूसरे के सेंटर से होकर जाएंगे और दोनों की त्रिज्याएं समान होंगी, अर्थात समान जो है वृत्त होंगे, तो ऐसी कंडीशन में जो उभयनिष्ठ जीवा है, कॉमन कॉर्ड, कॉमन कॉर्ड मतलब एक ऐसा कॉर्ड जो इसमें भी कॉर्ड हो इसमें भी कॉर्ड हो, तो कॉमन कॉर्ड ए बी हुआ, जहां पे कट करते हैं दोनों पॉइंट पे उसको ज्वाइन कर दिए तो वो कॉमन कॉर्ड होता है, कॉमन कॉर्ड की लंबाई जो होती है ऐसी कंडीशन में रूट थ्री आर होती है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा रूट थ्री आर हो जाएगा। अब मेन चीज ये आएगी कि आप कहेंगे कि इसको प्रूफ कैसे किया जाए, इसको प्रूफ करके देख लेते हैं। मान लीजिए बी ये है, ए ये है, इसको ज्वाइन कर दें, ये है त्रिज्या आर, इधर भी है आर, जब आर त्रिज्या होगी और ये लंब जो होगा ये क्या है लंब जो है 90 डिग्री है, तो ये लंब हुआ, तो चाहे आप ऐसे 90 डिग्री बनाए चाहे ऐसे 90 डिग्री बनाए, तो ये जीवा को दो बराबर भाग में बांटेगा, तो ये इस पे लंब होगा, इसलिए ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी, उसी तरह ये लेंथ बराबर होगी, तो ये आर बाय टू, क्योंकि ये टोटल आर है और ये आर बाय टू होगी, लेकिन ये तभी होगी जब दोनों त्रिज्याएं बराबर हैं, अगर त्रिज्या अलग अलग है तब r बाय टू इक्वल नहीं होगा, तब ये अनइक्वल हो जाएगा लेंथ। अब देखिए अगर हम इसको ओ मान लें, ए ओ डिस्टेंस निकाल दें और ओ बी दोनों बराबर हैं, ए ओ निकाल के डबल कर देंगे तो ए बी आ जाएगा, ए ओ लेंथ कैसे निकालेंगे, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर बाय टू का होल स्क्वायर, तो ये हो गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय फोर, इसलिए ये हो जाएगा थ्री बाय फोर आर स्क्वायर, या बाहर अगर हम इसको निकालें तो रूट थ्री आर बाय टू, ये है ए ओ की लेंथ, और ए बी की लेंथ जो है वो टू टाइम्स टू ए ओ है, इसलिए टू टाइम्स अगर हम करेंगे रूट थ्री आर अपॉन टू का, टू टू कैंसिल हो जाएगा और आंसर रूट थ्री आर आ जाएगा। तो ये थ्योरम होता है, अब इसको लर्न कर लीजिए, हमने आपको जो है प्रूफ करके दिखा भी दिया, तो इसको इस तरह से लर्न कर लीजिए कि अगर दो वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याएं समान हैं या समान वृत्त त्रिज्या वाले वृत्त हैं और दोनों एक दूसरे के सेंटर से पास कर रहे हैं, तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कितनी होती है रूट थ्री आर होती है। तो ये अगर लर्न है आपको तो आपको इसको करना ही नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर टिक करके आगे बढ़ जाइए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दो वृत्त एक दूसरे को पी और क्यू पर प्रतिच्छेदित करते हैं। पी ए पी बी दो व्यास हैं। ए क्यू बी का मान कितना होगा? दो वृत्त हैं पी और क्यू बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं। अब कह रहा है पी ए पी बी व्यास है, पी ए मान लीजिए इसका व्यास है, इसके मतलब सेंटर से वो गुजर रहा है तो ये व्यास हुआ, पी बी इसका व्यास है, तो कह रहा है एंगल ए क्यू बी का मान निकालिए। ए क्यू और बी का मान निकालिए। अब देखिए इसको अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं तो थ्योरम क्या लग रहा है, व्यास से परिधि पर डाला गया कोण कितना होता है, डायमीटर से जब जो है हम एंगल सबटेंड करेंगे तो कितना एंगल होता है 90 डिग्री। उसी तरह पी बी भी व्यास कहा गया है, इस व्यास से परिधि पर डाला गया कोण ये कितना हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो अगर ये 90-90 है तो ए क्यू बी का मान कितना हो जाएगा 180 डिग्री, इसलिए 180 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें कुछ है नहीं, बस देखिए जो जैसा कह रहा है वैसा करना है। दो वृत्त हैं पी क्यू पर कट कर रहे हैं एक दूसरे को, पी ए एक व्यास है, पी बी दूसरा व्यास है। अब कह रहा है ए क्यू बी का मान निकालना है, इस आपने इसको ज्वाइन कर दिया ए को क्यू से बी से। अब देखिए क्योंकि पी ए और ये लाइन हमने पी क्यू को ज्वाइन कर दिया, पी क्यू किस लिए ज्वाइन कर दिया कि आप देखिए पी ए से पी क्यू ए जो एंगल पड़ेगा वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि व्यास से पड़ने वाला जो परिधि पर कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री ये पड़ा और इधर से भी 90 डिग्री पड़ा, तो 90-90 180 हो गया, इसलिए 180 डिग्री एंगल ए क्यू बी का मान हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। बिंदु ए बी सी से गुजरने वाली रेखा एक वृत्त का केंद्र ओ है, एंगल बी ए ओ 30 डिग्री है, बी सी ओ 40 डिग्री है, एंगल ए ओ सी का मान कितना है? ए बी और सी मान लिए तीन पॉइंट है, ओ इसका केंद्र है, तो अब ये कह रहा है कि एंगल बी ए ओ बी ए ओ बी ए ओ ये है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है, एंगल बी सी ओ बी सी ओ बी सी ओ ये है 40 डिग्री। कह रहा है ए ओ सी एक्स है, ए ओ सी ये एक्स, इस वैल्यू को आपको निकालना है। अब देखिए इसको अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ओ ए ओ बी ओ सी ये सब त्रिज्या है, ये बराबर है, तो ये बराबर होने की वजह से समद्विबाहु त्रिभुज, इसलिए ये एंगल इस एंगल के बराबर, जो कि 30 ये है तो 30 ये भी है। इसी तरह समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये एंगल 40 है तो ये भी 40 हो गया, ये वैल्यू। अब देखिए यहां पे थ्योरम क्या लग रहा है, एसी जीवा से परिधि पे डाला गया कोण और केंद्र पर डाला गया कोण का रिलेशन क्या होता है, ये 70 है टोटल 30 और 40, तो ये कितना हो जाएगा 70 × 2, केंद्र पर डाला गया कोण जो हो जाता है ये क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, तो 140 डिग्री हो जाएगा, ये आंसर होगा। अब देखिए एक चीज और आपके दिमाग में आ सकती है, ए ओ सी यह है 140, अगर ये एंगल देखें तो ये भी ए ओ सी है, तो 360 में से 140 निकालेंगे कितना आ जाएगा 220, तो एंगल ए ओ सी ये भी है ये भी है, और दोनों आंसर दिए हैं, 220 भी दिया 140 दिया है, तो कौन सा आप रखेंगे जो लेस देन 180 होता है, तो
इसको एंगल ए ओ सी कहेंगे, ए ओ सी ये वैल्यू हो गई, तो ए ओ सी हो गई। और अगर ये वाला एंगल कहेंगे तो इसे कहते हैं रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एंगल ए ओ सी, मतलब ए ओ सी का रिफ्लेक्स उल्टा विपरीत। तो ये ए ओ सी एंगल है, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स ए ओ सी हो जाएगा। तो रिफ्लेक्स ए ओ सी कहेगा तब 220 एंगल हो जाएगा, और ए ओ सी कहेगा तो 140 डिग्री हो जाएगा। तो ये जो है आपके इसका सॉल्यूशन हो जाता है। नेक्स्ट है, ए और बी दो वृत्त के केंद्र हैं जिनकी त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर की उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखाएं बढ़ाई हुई ए बी को पी पर मिलती हैं, तो पी विभाजित करता है, दो वृत्त हैं इसके केंद्र हैं ए और बी, दो वृत्त के केंद्र हैं, इसकी एक स्पर्श रेखा है। कह रहा है ए बी को आगे बढ़ाएंगे तो ये इसकी स्पर्श रेखा आके मिलेगी, ए बी को बढ़ाने पर पी बिंदु पर ये मिलती है। तो अब कह रहा है कि पी जो है पी पर मिलती है, पी विभाजित करता है ए बी को, ए बी को किस रेशियो में विभाजित करेगा ये आपको निकालना है। अब देखिए ये लंब है क्योंकि स्पर्श रेखा है, ये लंब है, ये 5 सेंटीमीटर दिया है, ये 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, अब देखिए विभाजित करने का सेंस क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई रेखा हमने दिया है, ए है बी है, मान लीजिए पी कोई बिंदु है, यहां से यहां तक 2 लेंथ है, यहां से यहां तक 3 लेंथ है, तो हम ये कहेंगे पी जो है ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ए बी डिवाइड हो रहा है 2:3 के रेशियो में, कौन डिवाइड कर रहा है, पी, एक ये हो गया। दूसरा, ए और बी अगर मान लीजिए ये पॉइंट है, अब पी बाहर कहीं लाई कर रहा है, तो ये डिस्टेंस अगर मान लीजिए 5 है और ये डिस्टेंस 3 है, तब हम कहेंगे पी ए बी को विभाजित कर रहा है, तो पी अंदर नहीं है ए बी के, ए बी से बाहर चला गया, तब पी ए और पी बी का अनुपात क्या होगा। जैसे ए पी ए और पी बी का अनुपात अभी यहां पे क्या था, 2:3, तो पी ए और पी बी का अनुपात, वैसे ही पी ए पी बी का फिर अनुपात निकालेंगे, पी अगर ए बी को विभाजित कर रहा है तो पी ए पी बी का अनुपात निकालेंगे, तो पी ए लेंथ कितनी हो जाएगी, 5 + 3 = 8, और पी बी हो जाएगी 3, तो 8:3 का रेशियो हो गया। तो इसको हम लोग कहेंगे कि पी ए बी को 2:3 के रेशियो में आंतरिक रूप से विभाजित करता है, इंटरनली डिवाइड करता है, क्योंकि पी ए बी पर लाई कर रहा है इसलिए इंटरनली डिवाइड कर रहा है। और यहां पर क्या है कि ए बी से बाहर पी है, इसलिए पी जो है वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, 8:3 के रेशियो में। तो अब यहां पर जो है आपके यही क्वेश्चन दिया गया है, तो पहली चीज तो ये देख लें कि जो पी है वो ए बी के अंदर है या बाहर है। अगर पी बाहर है ए बी से तो इसका मतलब एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, बाह्य रूप से विभाजित कर रहा है, इसलिए इंटरनली आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले ये दोनों आंसर नहीं कट गए। तो पी विभाजित कर रहा है आपके इसको, अब किस रेशियो में विभाजित कर रहा है ये आपको देखना है। तो रेशियो देखिए कैसे देखेंगे, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप है, सिमिलर है, क्यों, क्योंकि ये 90 ये 90 ये एंगल कॉमन है। जब दो एंगल बराबर है तो तीसरा एंगल ये और तीसरा एंगल ये बराबर होगा, तो इसलिए अब आप ये कह सकते हैं अगर हम इसको आर एस नाम दे दें तो हम कहेंगे कि पी एस ए पी आर बी के समरूप हुआ। तो त्रिभुज पी एस ए सिमिलर है
त्रिभुज पी आर बी के। ये सब आपको करना नहीं है, हम सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझा रहे हैं, जबकि इसमें कुछ नहीं है, आंसर पहले ही आ जाएगा आपका, कोई कैलकुलेशन नहीं है। तो अब अगर ये समरूप है तो पी एस और पी आर का जो अनुपात है वही एस ए आर बी का अनुपात है, वही पी ए पी बी का अनुपात है। तो पी एस और पी आर का अनुपात वही है जो एस ए आर बी का है, जो पी ए और पी बी का है। हमें कौन सा रेशियो निकालना है? पी ए और पी बी का रेशियो निकालना है। और ये जो रेशियो है एस ए और आर बी हमें पता है, एस ए और आर बी पता है। एस ए क्या है? 5, आर बी क्या है? 2, बराबर पी ए और पी बी का रेशियो। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि पी ए इज टू पी बी का रेशियो कितना आ रहा है? 5:2, 5:2। इसके मतलब पी वाह्य रूप से विभाजित कर रहा है, किस रेशियो में विभाजित करता है? जिस रेशियो में त्रिज्याएं होती हैं, त्रिज्याओं के रेशियो में एक्सटर्नली पी बिंदु विभाजित करता है। तो त्रिज्या अगर 5:2 दिया है, 5 और 2 सेंटीमीटर दिया है तो 5:2 हो जाएगा, 3:2 दिया है 3:2 हो जाएगा, 4:2 दिया है तो 4:2 को कैंसिल करके 2:1 हो जाएगा। तो ये जो जिस रेशियो में, तो आपको ये बस ध्यान रखना है कि हमेशा पी बिंदु, और हमने करके आपको दिखा दिया, तो जो रेशियो होता है त्रिज्या का R1 R2 वही आपके रेशियो बनता है। तो इसलिए इसमें याद रखिए कि पी ए इज टू पी बी जो इसका आंसर होता है वो R1:R2 एक्सटर्नली, बस यही आंसर है। इतना अगर आप जानते हैं तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं R1 R2 दैट इज 5:2 का रेशियो है और बाह्य रूप से विभाजित करता है। कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, कोई डायग्राम नहीं बनाना है, कोई प्रूफ नहीं करना है, ये तो हम प्रूफ करके आपको दिखा रहे हैं। आपको डायरेक्ट ये समझना है जो दी गई त्रिज्याएं हैं उन्हीं त्रिज्याओं के अनुपात में ही विभाजित करेगा, लेकिन बाह्य रूप से, क्योंकि पी बिंदु बाहर है इसलिए 5:2 के रेशियो में विभाजित करेगा एक्सटर्नली बाह्य रूप से। नेक्स्ट देखते हैं, सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो वृत्त जिनकी केंद्रों के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है कि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कितनी होगी। अब देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, 15 + 20 = 35 हो गया, और जबकि इनके केंद्र के बीच की दूरी है, इसके मतलब कि दो वृत्त एक दूसरे को कट कर रहे हैं। केंद्रों के बीच की दूरी अगर इन त्रिज्याओं के योग से कम होती है तो इसके मतलब कि विभाजित कर रहे हैं। अब यहां से कॉमन कॉर्ड ये हुआ, इसी की लेंथ निकालनी है उभयनिष्ठ जीवा, तो कॉमन कॉर्ड की लेंथ ये, और आपको पता है कि ये इससे क्या हो जाता है? द्विभाजित हो जाता है, ये 90 डिग्री है। इसको ज्वाइन कर दें, इसको ज्वाइन कर दें। अब देखिए ये लेंथ है 15, ये लेंथ है 20। इससे पहले क्या था कि जब ये R और R हुआ करता था और ये एक दूसरे के केंद्र से होकर जाता था तो आपने पढ़ा था उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कितनी थी? √3R। लेकिन यहां पे वो नियम नहीं लगेगा, यहां से यहां तक टोटल लेंथ 25 है, तो अगर हम यहां से यहां तक की लेंथ x मान लें, यहां से यहां तक क्या हो जाएगा? 25 - x हो जाएगी। अब इसे ए बी और इसे ओ मान लें, तो एओ लेंथ अगर निकालेंगे तो इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। तो एओ स्क्वायर एक हो गया 15 का स्क्वायर - x स्क्वायर, क्योंकि एक्स लेंथ है, ये 15 है, एक्स ही हो गया। अब इसको अगर निकालेंगे तो एओ लेंथ कैसे निकालेंगे? 20 का स्क्वायर - 25 - x का स्क्वायर। एओ का स्क्वायर 20 का स्क्वायर - 25 - x का होल स्क्वायर। ये भी दोनों सेम वैल्यू है, बराबर कर दीजिए, ये हो गया 225 - x² = 20 का स्क्वायर 400 - 625 - x² - - + 50x, जिसमें -x² - x² कैंसिल कर दीजिए,
ये 225 माइनस में इधर आकर के 450 हो जाएगा, तो 450 बराबर 50x के, जिसमें 50 9 टाइम्स कैंसिल कर दिए, x बराबर 9 किया गया। जब x की वैल्यू आ जाएगी, अब आप इसको चाहे यहां रख दिए चाहे यहां रख दिए, AO की लेंथ आपको निकालना है। तो AO की लेंथ अगर आप निकालेंगे तो हो जाएगी अंडर रूट 15 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, तो 225 माइनस 81 ये हो जाएगा 144, इसलिए 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो AO की लेंथ 12 सेंटीमीटर आ रही है। AB क्या है? 2 टाइम्स 2 AO, AO OB बराबर है, और हमें AB लेंथ निकालना है। तो अगर AB लेंथ निकालना है तो AB बराबर क्या हो जाएगा? 2 इंटू AO जो कि 2 इंटू 12 दैट इज 24 सेंटीमीटर, यही आंसर हो जाएगा। तो 24 सेंटीमीटर ये वैल्यू हो जाती है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को निकालते हैं। फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन को, एक बार फिर से समझा देते हैं। एक सर्कल है, दूसरा सर्कल है, सेंटर है, ये हम ज्वाइन कर रहे हैं। ए बी की लेंथ निकालनी है, ये इसके ऊपर 90 डिग्री होगा, इसको ज्वाइन कर दें, इसको ज्वाइन कर दें। ये क्योंकि 15 है और ये 20 है, इसलिए ये लेंथ बराबर नहीं होगी, जबकि ये टोटल 25 है। यहाँ से यहाँ तक हमने x मान लिया और यहाँ से यहाँ तक हमने 25 माइनस एक्स मान लिया इसको। तो इसको अगर हम ओ मान लें तो AO लेंथ इस ट्राइंगल से निकाल देंगे, 15 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, और इस ट्राइंगल से अब निकालेंगे तो 20 का स्क्वायर माइनस 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, यही किया गया है। तो AO का स्क्वायर अगर आप कहें तो 15 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक ट्राइंगल से, और दूसरे ट्राइंगल से 20 का स्क्वायर माइनस 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, 225 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 400 माइनस 625 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 50x, माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 450 बराबर 50x के, 59 टाइम्स कैंसिल कर दी, x बराबर 9 के आ गया। और जब x बराबर 9 के आ गया यहाँ रख दीजिए, तो AO लेंथ जो हो जाएगी ये हो जाएगी अंडर रूट 15 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर जो कि 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। और फिर हम AB की लेंथ निकाल लेंगे, AB लेंथ क्या है? 2 टाइम्स 2 AO, क्योंकि जो लंब होता है परपेंडिकुलर होता है वो जीवा को दो बराबर भाग में बांट देता है, तो इसलिए ये लेंथ और ये लेंथ क्या है? बराबर है, इक्वल है, ये दोनों लेंथ बराबर हो जाएगी। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 2 इंटू 12 सेंटीमीटर जो कि क्या हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को निकाल लेते हैं। और जो वैल्यू है, वैल्यू जो है आप इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। तो इसमें जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं या जो भी क्वेश्चंस बनेंगे उसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ निकल करके ये आती है कि जितने भी आपके क्वेश्चन हैं वो आसानी से आप कर लेंगे अगर डायग्राम आपका बन गया। और रटिए नहीं कोई चीज़, समझने की कोशिश करिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़रूर हो जाएगा लेकिन आसानी से आप निकाल पाएंगे इसको। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसानी से बहुत ईजिली जो है आप निकाल लेते हैं, अगर थोड़ा सा अगर आप एफर्ट करते हैं तो इस बस इसी चीज़ को देखना था आपको कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 24 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, ओ केंद्र वाले एक वृत्त का व्यास ए बी, सी डी एक जीवा है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, ए सी तथा बी डी बढ़ाया गया हो तो पी पर मिलता है एंगल ए पी बी का मान कितना होगा। देखिए ये थ्योरम है, थ्योरम याद कर लीजिए क्या है। अगर कोई व्यास है और एक कोई भी त्रिज्या ले लें, और ये एक जीवा ले लें जिसकी जो लेंथ है वो त्रिज्या के बराबर हो, इसको अगर हम आगे ज्वाइन करते हैं इस जीवा के दोनों एंड को, अगर हम व्यास के दोनों एंड से ज्वाइन करके आगे बढ़ा दें तो कोण हमेशा 60 डिग्री का बनेगा, और यही पूछ रहा है।
इसी को पूछा जा रहा है। तो इस पे हमेशा ध्यान रखिए, अगर जीवा की लंबाई आर के बराबर है और ये है व्यास जो कि डबल आर है, तो ऐसी कंडीशन में जो कोण बनेगा वो हमेशा 60 डिग्री का ही बनेगा। तो ये जो है आपके एक तरह से इसका सॉल्यूशन होता है। अब ये थ्योरम है, थ्योरम लर्न कर लीजिए कि अगर व्यास को एक ऐसी जीवा जिसकी लेंथ त्रिज्या के बराबर है दोनों एंड को जोड़ करके आगे बढ़ाया जाए तो कोण हमेशा कितना बनेगा, 60 डिग्री बनता है। कैसे, देखिए हम प्रूफ कर देते हैं, प्रूफ करने की आपको जरूरत नहीं है लेकिन देख लीजिए कि कैसे हो रहा है। देखिए प्रूफ करने के लिए हम एक चीज का सहारा लेंगे, क्योंकि अगर हम उसको मान लेंगे तो बहुत आसानी से ही निकल आएगा। अगर हम ये मान लें कि ये इसके पैरेलल है तो देखिए बहुत इजीली निकल आएगा, ये आर है, ये आर है, ये टोटल लेंथ आर है। अगर हम इसको ज्वाइन कर दें और इसको ज्वाइन कर दें तो आप देख रहे हैं कि ये आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। तो आर 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 ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री। यहां पे जेड का फॉर्मेशन हो रहा है ऑल्टरनेट एंगल, तो ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। फिर यहां पर भी जेड का फॉर्मेशन हो रहा है ऑल्टरनेट एंगल, ये एंगल इस एंगल के बराबर, तो ये भी 60 हो जाएगा, 60 60 हो गया। अब 60 डिग्री ये है, ये आर है, ये आर है, समद्विबाहु त्रिभुज है ये, इसका मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो अगर ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये 60 हो चुका है, तो बचा 120, 120 को बराबर बराबर बांटेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 ये भी आ जाएगा, 60 ये भी आ जाएगा। उसी तरह से देखिए इस ट्रायंगल में ये 60 निकल ही आया है और ये दोनों रेडियस है बराबर है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज होने का मतलब ये कोण इस कोण के बराबर होगा। तो 60 अगर निकाल दें 180 में तो 120 बचा, 120 को बराबर बराबर बांटेंगे तो कितना आएगा, 60 60 आएगा। अब आप सीधे इस बड़े वाले ट्रायंगल को ध्यान दीजिए, बड़े वाले ट्रायंगल में ये एंगल और ये एंगल देख ली, जब ये 60 है, ये 60 है, तो ये कितना होगा, ये भी 60 आ जाएगा। बड़े वाले ट्रायंगल को देख लीजिए तो अपने आप प्रूफ हो जाता है। तो बस आपको थ्योरम क्या है, थ्योरम हमेशा ध्यान रखिए कि अगर कोई जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या के बराबर है उसके दोनों कोणों को व्यास के दोनों कोणों के साथ मिला के आगे बढ़ाया जाए तो जो कोण बनता है वो सदैव क्या होता है, 60 डिग्री का कोण होता है। तो यही बस चीज आपको थ्योरम में याद करना है कि अगर कोई जीवा ली जाए जिसकी लंबाई त्रिज्या के बराबर है, रेडियस के बराबर है, तो और व्यास के दोनों कोने और इस जीवा के दोनों कोने, कॉर्ड के दोनों कोने को मिला करके आगे बढ़ाने पर कोण जो हमेशा बनेगा वो कितना बनेगा, 60 डिग्री। तो इस थ्योरम को अगर आप याद कर लेंगे तो फिर आपको सॉल्यूशन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, और हमने प्रूफ करके दिखा भी दिया आपको। नेक्स्ट है, देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर दो वृत्त की त्रिज्याएं हैं, यदि दो वृत्तों के केंद्रों की दूरी डी हो तो दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी। तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई जो होती है ये कितनी हो जाएगी, अंडर रूट हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, डी स्क्वायर आर माइनस आर का होल स्क्वायर, ये वाली आंसर हो जाएगा। तो ये जो है आपके डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ होती है। तो ये कैसे हम लोग ने देखा था, हमने आपको बताया था कि दो केंद्र, दो वृत्त ले लें जिसके केंद्र के बीच की दूरी d है और ये स्पर्श रेखा बना दें इन दो पॉइंट्स में, यहां से इसके ऊपर लंब डालना है तो ये 90 डिग्री होगा, ये l है तो ये भी l हो जाएगा, ये r है जबकि ये कैपिटल r है, तो ये स्मॉल आर हुआ यहां तक, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये कैपिटल आर है, कैपिटल आर में से स्मॉल आर निकाल दें तो ये लेंथ हो जाएगी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे,
तो एल का स्क्वायर बराबर हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा करके ये आपका जो है आपके आंसर आ जाएगा। तो इसलिए इसमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, फॉर्मूला हम डराइव करके आपने पहले भी दिखाया था, ये अभी भी दिखा दिया। छोटे डायग्राम में अगर ना क्लियर हो रहा हो तो फिर से हम बना देते हैं, बड़े डायग्राम में देख लीजिए। ये स्पर्श रेखा है, इनको टच करके जा रही है किसी बिंदु पे, छोटे वाले वृत्त के केंद्र से यहां पे लंब डाल दें परपेंडिकुलर। तो अब ये आयत बन गया, रेक्टेंगल बन गया, ये लेंथ इस लेंथ के बराबर हो गई। तो ये लेंथ आपको निकालनी है स्पर्श रेखा की, वो ये हो जाएगी एल। केंद्रों के बीच की दूरी डी है, ये पूरे डी दिया हुआ है, ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, जो कि यहां से देखेंगे ये कैपिटल आर में से स्मॉल आर निकाल दें तो ये लेंथ निकल आएगी जो कि कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर होगी। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो एल का स्क्वायर बराबर, एल बराबर अंडर रूट डी का स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगी। तो इसको हम लोग इस तरह से देख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, अगर दो वृत्त हैं जिनके बीच केंद्रों के बीच की दूरी डी है, त्रिज्याएं तो कैपिटल आर स्मॉल आर हैं, तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कॉमन कॉर्ड की लेंथ अगर निकालना है तो वो आप निकाल सकते हैं डी स्क्वायर माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं, पी एक वृत्त के बाहर का बिंदु है जो उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर है। पी से खींची गई एक छेदक रेखा उस वृत्त को ए तथा बी बिंदु पर इस तरह काटती है कि पी ए बराबर 9 सेंटीमीटर और तथा पी बी बराबर 7 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? पी है कोई बिंदु जो 13 सेंटीमीटर की दूरी पे है और एक छेदक रेखा खींची गई जो ए और बी बिंदु पर कट करती है। ये टोटल है 13 सेंटीमीटर, पी ए जो लेंथ है वो 9 है, यहां से यहां तक 9 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक 7 सेंटीमीटर। तो यहां से इसके ऊपर लेंथ अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो यहां से यहां तक ये कितना हो जाएगा, 7 का आधा 3.5 हो जाएगा, तो ये 3.5 हो गया। तो 9 ये और 3.5 ये, तो ये हो गया टोटल 12.5। अब ये लेंथ अगर हमें निकाल लें तो ये लेंथ हमें पता है कि 3.5 है, 3.5। आर हम निकाल लेंगे, आर ही निकालना है आपको, त्रिज्या पूछी गई है। तो इस लेंथ को अगर निकाल लें, ये लेंथ निकाल लें, ये 3.5 पता है तो आर निकल आएगा। तो अब देखिए पहले इसको निकाल लें, तो इसको अगर हम कहें ओसी, तो ओसी लेंथ जो है ये हो गई अंडर रूट 13 का स्क्वायर माइनस, ये टोटल लेंथ है 12.5, 12.5 यहां से यहां तक लेंथ है टोटल, ये 12.5 है। तो 12.5 लेंथ ये है, 12.5 मतलब हो गया 25/2, तो ये हो जाएगा 269 माइनस 1/2 √51, ये हो जाएगा ओसी की लेंथ। ये है 3.5 या 7, तो आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें।
आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा ए सी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर, ए सी लेंथ कितनी है 7/2 का होल स्क्वायर प्लस ओ सी है √51/2 का होल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 इंटू 49 प्लस 51 जो कि 100/4 25 हो जाएगा। 25 मतलब 5 का स्क्वायर, इसलिए आर स्क्वायर बराबर 5, तो आर बराबर 5 के हो जाएगा। यही आपको निकालना था, तो आर बराबर 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो पहले आप कैसे निकालेंगे, ये पी ए लेंथ 9 दिया है यहां से यहां तक, और ये दिया है 7। जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो आधा आधा हो जाएगा, 3.5 3.5। तो 9 में 3.5 जोड़ देंगे तो 12.5 ये लेंथ हो जाएगी। 12.5 ये लेंथ है, 13 ये लेंथ है, तो ओ सी लेंथ हम लोग ने निकाल लिया स्क्वायर करके, जो कि कितनी निकलेगी √51/2। अब ये आर की वैल्यू कैसे निकलेगी इस पाइथागोरस थ्योरम से, ओसी निकल आया है ये पता ही है आपको, 7/2, 7/2 का स्क्वायर प्लस √51/2 का होल स्क्वायर। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, दैट इज 25, जो कि 5 का स्क्वायर होगी, आर स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, इसलिए 5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो सिर्फ कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन समझिए, एक बार दो बार खुद से करके देख लीजिए, तो अपने आप जहां एक दो बार क्वेश्चन करके देखेंगे, क्योंकि ज्योमेट्री में मेनली आपको दोबारा करना है। हम भले ही आपको बोर्ड पर करा रहे हैं वो अलग चीज है, लेकिन इसको देखते हुए अगर आप खुद से करेंगे तब ये क्वेश्चंस आसान हो जाते हैं, तब आप इजीली इन क्वेश्चनों को निकाल लेंगे। नेक्स्ट है, देखिए ओ केंद्र वाले एक वृत्त के ए तथा बी बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखा पी पर मिलती है, यदि ए ओ बी 120 डिग्री है तो ए पी बी और ए पी ओ का मान कितना होगा। पी कोई बिंदु है, ओ केंद्र है, दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं जो ए और बी बिंदु पर मिलती हैं। इसको ज्वाइन कर दें, ये ज्वाइन कर दें, ये ज्वाइन कर दें, एपीबी एपीबी ये लेंथ हुआ और एपीओ ये लेंथ हुआ। तो देखिए हम लोग ये जानते हैं कि ये दोनों जो त्रिभुज बनते हैं ये सर्वांगसम त्रिभुज है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। किस मेथड से हम लोग ने प्रूव किया था, आरएचएस मेथड से। आर मतलब राइट एंगल, ये दो एक राइट एंगल है। हाइपोटेन्यूज जो है इसका भी और इसका भी सेम है, कॉमन है, बराबर है। और एक साइड जो कि ये त्रिज्या है ये भी त्रिज्या है। तो आरएचएस मेथड से ये प्रूफ की ये कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंसी में क्या है कि अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है। तो जब इसका रेशियो पूछ रहा है तो भले ही ये सब दिया जाए चाहे ना दिया जाए, आंसर अपने आप निकल आएगा। तो एंगल ए पी बी इज टू एंगल ए पी ओ, ए पी बी कितना हुआ 2 थीटा, और ए पी ओ कितना हुआ थीटा, थीटा थीटा कैंसिल कर दीजिए, 2:1 का रेशियो होगा। तो 2:1 का रेशियो हो जाएगा। तो अगर नहीं भी देता है ए ओ बी, जैसे 120 इसने दिया है, 120 देने का मतलब क्या हुआ, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। अगर ये 60 60 है तो इसका मतलब ये 30 30 हो गई, 30 डिग्री ये है, 30 डिग्री है। तो अब यहाँ पे 60 यहाँ 30 आ जाएगा तो भी 2:1 आएगा। तो भले ही आप इसका वैल्यू रखिए चाहे ना रखिए, हम लोगों को ये पता है कि ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, ये दोनों एंगल बराबर होते हैं। क्यों, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं। तो इसलिए 2:1 का रेशियो इसका आएगा एपीबी, चाहे
इसकी कोई भी वैल्यू रख दें, 120 रख दें, 140 रख दें, 100 रख दें, सबसे आंसर वही आ रहा है। नेक्स्ट है, यदि एक जीवा जो अपने एक सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखा के साथ 45 डिग्री कोण बनाती है कि लंबाई 6 सेंटीमीटर हो, तो उस वृत्त की त्रिज्या कितनी लंबी होगी? ये भी डायरेक्ट आप डायग्राम से ही निकाल सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा इसमें जो है देखने वाली बात नहीं है, बहुत इजीली निकल आएगा। मान लीजिए ये जीवा है, ये भी मान लें, इसकी लेंथ दिया है 6 सेंटीमीटर, और इस बिंदु पर अगर मान लीजिए हम स्पर्श रेखा खींच दें, ये एक स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा का मतलब कि केंद्र से इसको मिलाने पर ये 90 डिग्री होगा, ये स्पर्श रेखा है। तो कह रहा है कि ये स्पर्श रेखा के साथ 45 डिग्री कोण बना रहा है, तो अगर ये 45 डिग्री कोण है तो ये भी क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 90 डिग्री होता है। ये यहां से इसको ज्वाइन करें, केंद्र से 90 डिग्री है, तो अगर ये 45 है तो ये भी 45 है, 45 45 होने की वजह से ये और ये बराबर हो जाएगा, ये लेंथ बराबर हो गई। तो 6 सेंटीमीटर ये है, तो इसके मतलब 3 सेंटीमीटर ये हो गई, 3 सेंटीमीटर ये हो गई, तो 3 सेंटीमीटर ये लेंथ है, 3 सेंटीमीटर ये लेंथ है, और 45 45 होने के मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर, तो ये भी 3 हो गई, तो 3 ये 3 ये, तो ये कितनी निकलेगी, रूट टू इंटू थ्री, थ्री इंटू रूट टू, यही हो जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम से निकाल दीजिए, तो थ्री ये है, थ्री ये है, तो ये कितना हो जाएगा, रूट थ्री, ऐसे निकल रहा है। ये 45 है, ये 45 है, ये लेंथ 3 सेंटीमीटर दिया है, तो ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम से 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट करेंगे तो 3 रूट 2 सेंटीमीटर ये हो जाएगी, और यही आपसे पूछा गया है, ये वाली लेंथ, यही आर है त्रिज्या, तो 3 रूट 2 सेंटीमीटर इसकी टोटल लेंथ हो जाती है। नेक्स्ट है, देखिए, ओ केंद्र वाले एक वृत्त की दो जीवाओं जो व्यास नहीं है, ए बी तथा ए सी के मध्य बिंदु पी तथा क्यू, उसमें ओपी ओक्यू रेखाओं को आर एस बिंदु तक बढ़ा दिया गया है ताकि वे वहां पर वृत्त को छू सकें, उनमें बड़ी चाप आर में आर तथा एस के बीच टी एक बिंदु है, तो एंगल बी ए सी 32 डिग्री है, आर टी एस का मान निकालना है। ओ केंद्र है, ए बी ए सी, ए बी ए सी दो जीवाएं हैं जिसका मध्य बिंदु ए बी का पी है और इसका क्यू है। ओ पी, ओ से पी तक अगर हम इसको डालेंगे, मध्य बिंदु है तो इसलिए 90 डिग्री हो जाएगा, यहां से इसको डालेंगे तो भी ये 90 डिग्री हो जाएगा, और इसको बढ़ाने पर ये कह रहा है ये वृत्त को छूता है, कहां पे, आर पर, और ये आगे बढ़ाने पर वृत्त को छूता है एस पर। बड़ी चाप आर तथा एस, एक बड़ी चाप आर तथा एस ये है, छोटी चाप ये है, आर्क आर एस पर कोई एक बिंदु टी कह रहा है, टी है, तो बी ए सी बराबर 32 के है, बी ए सी, बी ए सी बराबर 32 डिग्री के है, तो कह रहा है कि आर टी एस का मान कितना होगा, ये एंगल निकालना है। देखिए आर टी एस कैसे निकलेगा, ये एंगल जो बन रहा है वो किस जीवा से बन रहा है, आर एस, आर एस जीवा से परिधि पर पड़ा कोण और केंद्र पर पड़ा कोण, दोनों रिलेशन क्या होता है, अगर थीटा ये है तो 2 थीटा ये हो जाएगा, आर एस जीवा से परिधि पर पड़ा कोण और केंद्र पर पड़ा कोण, तो परिधि से दुगना हो जाता है केंद्र पर पड़ा कोण, 2 थीटा, थीटा की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है,
तो इस चतुर्भुज में अगर आप देखेंगे तो ये 90 है, ये 90 है, ये 32 है, ये 2 थीटा है, इन चारों का टोटल सम क्या होना चाहिए, 360 के बराबर रख दें जिससे थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो 32 डिग्री प्लस 90 प्लस 90 प्लस 2 थीटा बराबर 360 डिग्री है, तो इसलिए 2 थीटा बराबर 148, 90, 180, 180, 50, 148, 2 कैंसिल कर दिए, थीटा बराबर हो जाएगा 74 डिग्री। तो इसलिए RTS का मान कितना हो जाएगा, 74 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए बहुत सिंपल है, समझने की कोशिश करिए, आसानी से आप निकाल सकेंगे। फिर एक बार हम बड़े डायग्राम में बना करके आपको दिखाई दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक सर्कल है जिसमें दो आपके ए बी और ए सी दो जीवाएं हैं, जीवा का मध्य बिंदु एक पी है, दूसरा मध्य बिंदु क्यू है, केंद्र है इसका ओ, ओ पी जब हम इस पे मध्य बिंदु पर डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, यहां पे मध्य बिंदु पर डालेंगे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और इसको आगे बढ़ाने पर ये आर और इसको आगे बढ़ाने पर ये एस पर वृत्त को टच कर रहा है, ये एंगल दिया है 32 डिग्री। कह रहा है आर और एस बड़ी चाप ये है, आर और एस छोटी चाप ये है, तो बड़ी चाप पर कोई बिंदु टी ले लिया गया है कहीं पर भी। अभी कह रहा आर टी एस कोण का मान कितना होगा, तो आप देख रहे हैं आर एस जीवा से परिधि पे पड़ा कोण ये और केंद्र पर पड़ा कोणों का रिलेशन क्या होता है, अगर थीटा ये है तो 2 थीटा ये हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों किससे आ रहे हैं, आर एस जीवा से। अब इस चतुर्भुज में देख लीजिए, इस चतुर्भुज में 32 ये दिया है, 90 ये दिया है, 90 ये दिया है, 2 थीटा ये दिया है, तो 32 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 2 थीटा बराबर 360 के, यही किया गया है यहां पे। 32 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 2 थीटा बराबर 360 के, 32 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 2 थीटा बराबर 360 के, थीटा की वैल्यू आ गई, और थीटा की वैल्यू आपको निकालना था, यही थीटा की वैल्यू है जो कि RTS, तो इसलिए 74 डिग्री बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है और एक्स वाई एक ऐसी जीवा है जिसके केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर, उस जीवा की लंबाई कितनी होगी। सिंपल है, देखिए एक वृत्त है, त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है और एक जीवा है, जीवा एक्स वाई है, कह रहा है जिसकी केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है, केंद्र से इसकी दूरी 12 सेंटीमीटर, तो जीवा की लंबाई कितनी है, इसको ज्वाइन कर दीजिए, ये त्रिज्या हो गई 13 सेंटीमीटर। अगर टोटल लेंथ इसकी एल हम मान लें तो लंब क्या करता है, ये दो बराबर भाग में बांट देता है, तो एल बाय टू ये हो गया, एल बाय टू ये हो गया, तो ये एल बाय टू कैसे निकाल सकते हैं, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो एल बाय टू का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, जो कि 169 माइनस 144, दैट इज 25, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो L बाई टू बराबर 5 के, इसलिए L बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो ये 5 सेंटीमीटर आ रहा है, 5 सेंटीमीटर ये मिलकर के टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, टोटल लेंथ आपको जीवा के निकालनी थी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बराबर के वृत्त एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हैं, यदि उनके प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो
तो उनके उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कितनी होगी? अब देखिए यहां पे एक थ्योरम आपको हमने बताया था, अप्रूव भी किया था। दो वृत्त हैं, समान त्रिज्या है, दोनों केंद्र से गुजर रहे हैं एक दूसरे के। इसकी भी त्रिज्या आर है, इसकी भी त्रिज्या आर है, तो ऐसी कंडीशन में कॉमन कॉर्ड ए बी की लेंथ, जो ए बी की लेंथ होती थी कैसे निकालते थे हम लोग, तो ये होती थी रूट थ्री आर, जो प्रूफ करके हमने आपको दिखाया था। तो ए बी की लेंथ जो है वो रूट थ्री आर के बराबर होती है। और आर की वैल्यू अगर दिया है, त्रिज्या अगर दिया है 5 सेंटीमीटर, तो आर की जगह रख दीजिए, तो ए बी की लेंथ क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा रूट थ्री इंटू 5 या 5√3 सेंटीमीटर। तो ये आपके 5√3 सेंटीमीटर लेंथ हो जाएगी, जो कि ए बी की लेंथ होगी। तो कॉमन कॉर्ड आपके ये हो जाता है। तो सिर्फ थ्योरम था, थ्योरम जो आपने पहले जो है आपके डिस्कस किया था वही है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन लगता है तो उसको फिर से हम लोग देख सकते हैं, और कैसे ये वैल्यू आई ये भी देख सकते हैं। वो किस तरह से, देखिए हम करके आपको फिर से दिखा देते हैं। आर के रेस्पेक्ट में हमने कैसे किया था इसको, कि अगर दोनों एक दूसरे के केंद्र से होकर के गुजर रहे हैं, दोनों के त्रिज्या आर है, इसको ज्वाइन कर दिया, जो लेंथ आपको निकालनी थी इसको ज्वाइन कर दिया ए बी, इसको ओ मान लिया, और ये लंब था इसलिए ये दो बराबर भाग में ये बट गया, ये भी लेंथ दो बराबर भाग में बट गई, ये त्रिज्या है आर, ये है आर बाय टू, आर बाय टू, ये दो भाग बट गई। तो एओ लेंथ कैसे निकाला था, आर का स्क्वायर माइनस आर बाय टू का स्क्वायर। तो एओ का स्क्वायर कैसे निकाला था, अंडर रूट आर का स्क्वायर माइनस आर बाय टू का होल स्क्वायर, जो कि एओ बराबर क्या आया था, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय 4। तो एओ बराबर आ गया था अंडर रूट 3/4 आर स्क्वायर, जो कि रूट 3 आर बाय 2 आ जाएगा। और ए बी लेंथ क्या होती थी, 2 इंटू एओ होती थी, इसलिए हम लोग ने क्या किया, 2 इंटू रूट 3 आर बाय 2 किया, 2 2 कैंसिल कर दीजिए, तो रूट 3 आर इसका आंसर होता था। अब इसी आर की वैल्यू 5 दे दी है, अगर आर की वैल्यू 5 है तो ए बी की लेंथ कितनी हो जाएगी, 5√3 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो आर की जो भी वैल्यू दी जाएगी वो आर की जगह रख दीजिए, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। तो अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये आपके 5√3 क्योंकि आ रही, क्योंकि त्रिज्या 5 दी है और √3 आर इसका होता, तो आर की जगह अगर हम 5 रख देंगे तो 5√3 आ जाएगा, इसलिए हम लोगों का आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा 5√3 सेंटीमीटर। तो ये जो है आपके इसका आंसर हो जाता है कि 5√3 इसका आंसर होगा।